ए और बी दो लोग थे, या दो बच्चे थे, या दो लड़कियां थी, या जो भी है जेई एस्पिरेंट बोल दो या फिर नॉर्मल बच्चे बोल दो। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जनरल स्टोरी, बाद में आप रिलेट करना इससे आपकी पढ़ाई से, जेई प्रिपरेशन से। क्या किया सर उन्होंने, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दिन मतलब बैठे थे, दोनों का वजन थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ था, उन्होंने बोला कि हम वजन कम करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। और वजन कम करने का सिंपल सबसे बेसिक उपाय क्या है, आपको रनिंग करनी होती है, ठीक है, आपको रनिंग करनी होती है। दिस इज वेरी इजी, सबको समझ में आता है। हाँ सर वजन कम करना है, जिम जाओ, दैट इज द सेकेंडरी ऑप्शन, बट हाँ जिम पे भी जाके ट्रेडमिल पर दौड़ोगे ना, हाँ सर, तो क्या करनी होती है, रनिंग, ठीक है भैया। दोनों बढ़िया दोस्त अपने बैठकर बात कर रहे कि रनिंग करनी है, ठीक है। अब देखना जरा क्या हुआ, एटीट्यूड में डिफरेंस क्या आया, और कैसे एक ने शुरुआत की और दूसरे ने टाइम वेस्ट किया। एक जो ए था उसने क्या किया, अच्छा रनिंग करनी है, ठीक है सर, काम खत्म। पास जहां पर वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, उसको जहां जगह मिली सुबह उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। जहां उसको जगह मिली सुबह उठकर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ए ने जो चीज उसको चाहिए थी, उसके लिए जो बेसिक स्टेप दिमाग में आया, वो करना शुरू कर दिया। अब आती है बारी बी की। बी जो भैया हैं वो क्या बोलते हैं कि सर अच्छा रनिंग करनी है, सबसे पहले तो मस्त शूज मैं ढूंढता हूं। क्या मस्त शूज, ठीक है, ऑनलाइन बैठा शूज ढूंढने, सर रनिंग करनी है ना, पहले शूज ढूंढते हैं नाइकी के, एडिडास के, बढ़िया वाले जूते जिसमें भागूं तो मेरे को कंफर्टेबल महसूस। जूते ढूंढे उसने, पिताजी से पैसे वैसे भी लिए कि मुझे जूते दिलवाओ बढ़िया वाले, रनिंग करनी है मुझे, वजन कम करना है, मेरा एम ये है। पापा ने भी देखा, हाँ भैया पॉजिटिव एम है, जरूर इसको पैसे देने चाहिए, बहुत बढ़िया। पहले उसने ढूंढना स्टार्ट किया ऑनलाइन आजकल, फिर सर उसने बढ़िया कोई पार्क, बोले सर जोरदार पार्क होना चाहिए, ट्रैक उसमें एकदम सिंथेटिक होना चाहिए, मैं भागूंगा तो कहीं मेरे छाले नहीं हो जाए, पार्क ढूंढना स्टार्ट किया, या फिर आप बोल सकते हो आसपास गजब वाली जिम ढूंढनी स्टार्ट की। देखो भैया दो लोगों ने डिसाइड किया वजन कम करने के लिए, एक को पता चला कि वजन कम करने के लिए दौड़ना होता है, उसने सीधा सीधा दौड़ना स्टार्ट किया, अच्छे जूते, बढ़िया पार्क, ये सब बाद में ढूंढूंगा और ये अपने आप मिलते जाएंगे, घबराइए नहीं। इसने क्या किया बी ने, अच्छे तो सर मुझे जूते चाहिए, बढ़िया पार्क होना चाहिए या जिम होना चाहिए, और सूटेबल टाइमिंग जब होगी तब दौड़ूंगा, आज तो बारिश हो रही है, ठीक है आज बारिश हो रही है, आज नहीं दौड़ूंगा, कल तो सर हमें पिकनिक पे जाना है, या कल हमें मौसी के घर जाना है, कल नहीं परसों से, अच्छा सर आज तो फ्राइडे हो गया, आज फ्राइडे हो गया, नए काम की शुरुआत मंडे से या मंगलवार से करनी चाहिए, उस दिन दौड़ूंगा। ये सब बहाने लेके भैया बी लगे हुए हैं 15-20 दिनों से या एक हफ्ते से। एक हफ्ते बाद जब बी की मुलाकात ए से हुई तो उसने उसको दूर से आते हुए देखा तो उसका थोड़ा उसको वजन कम कम लगा। उसे पूछा क्या कर रहे हो भैया, बोले कुछ नहीं, जो अपने ने डिसाइड किया था वही कर रहा हूं। बोले फिर उससे अब मन के डाउट देखो, तू यार दौड़ता कैसे है, तू दौड़ता कैसे है। वो बी ए हंसने लगा, बोले कैसे क्या, हाथों में थोड़ी दौड़ता हूं, पैरों से दौड़ता हूं। कहां दौड़ता है, बोले मैं तो गांव में रहता हूं तो अपने खेत में दौड़ लेता हूं, शहर में कभी आता हूं तो जो पार्क मिलता है या गली मिलती है सड़क मिलती है उसी पे दौड़ लेता हूं। कब दौड़ता है, सुबह दौड़ेगा तब वजन ज्यादा कम होगा कि शाम को दौड़ू तब वजन ज्यादा कम होगा। वो उसने फिर जवाब दिया, बोले कभी भी दौड़ ले, दौड़ तू तो दोपहर में दौड़, अगर दौड़ सकता है रात को दौड़ 1 बजे। बोले अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ। नाउ यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट विद योरसेल्फ। इस कैटेगरी के बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत कम है इस कैटेगरी में, लोग भरे पड़े हैं। सर हमें पढ़ाई करनी है, हाँ दोनों ने डिसाइड किया जेई की प्रिपरेशन करनी है, अच्छा उसके पास जो रिसोर्सेज थे, जो किताब थी, सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी विदाउट एनी सिंगल डाउट इन द माइंड कि ये अच्छी है कि नहीं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो सर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बढ़िया किताब कौन सी होगी सर वो बताओ जिसका सवाल सॉल्व करूं और जेई में सिलेक्शन हो जाए, अच्छा सर टाइमिंग क्या होनी चाहिए। वेद पुराण कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के बैठ के पढ़ो तो ज्यादा चमकता है, सुबह पढ़ना पड़ेगा, चलो सर सुबह सुबह पढ़ूंगा, ठीक है। फिर ये सब चीजें तुम लोग कैलकुलेट इकट्ठा एक्यूमुलेट करने में लगे हुए बट अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो नाउ यू डिसाइड कि इन विच कैटेगरी डू यू फॉल, इधर वाली में कि इधर वाली। हाँ एक बार दौड़ना शुरू कर दीजिए, जो जूते पहन के आपने पुराने जूते पहन के स्टार्ट किया था ना वो फट गए तो कोई बात नहीं, पिताजी नया दिलवाएंगे,
मार्ग में नहीं बात जम रही सर, जिम में जाके आप दौड़ेंगे कोई बात नहीं, आपको जिम भी मिल जाएगी, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे, आप काम शुरू कीजिए। और जबकि सर हमारा एटीट्यूड एकदम विपरीत होता है, क्या एटीट्यूड एकदम विपरीत होता है, हम है इस कैटेगरी के, पहले मेरे पास सारी अच्छी अच्छी चीजें आ जाएं फिर मैं काम करना शुरू, ऐसा नहीं होता, समझ में आया? तो फटाफट अपने आप को शिफ्ट करें फ्रॉम दिस डे ओनली। ये सब बहाने हैं कि आज सोमवार है मैं मंगलवार से शुरू करूंगा, आज मंगलवार है मैं सर संडे से शुरू करूंगा, इसी हफ्ते सर इसी हफ्ते एक बार रहने दो प्लीज, इसी हफ्ते जैसे ही दिमाग में ये थॉट आया कि इसी हफ्ते रहने दो, समझ लेना कि आप उस इस कैटेगरी में हो, बी वाले में। आप अपने आप को सिर्फ समझा रहे हो, बहाने दे रहे हो। हजार सर आपको क्या पता हमारे साथ क्या समस्याएं हैं, तो भैया तुझे क्या पता कि ए के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, समझ में आया? तो जो आपका कर्म है उसको जितनी जल्दी करना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप बाकी लोगों से आगे होते जाओगे, उतनी जल्दी आप रिजल्ट के नजदीक पहुंचते जाओगे, उतनी ही जल्दी आप अच्छा और पॉजिटिव फील करने लगोगे। जस्ट इमेजिन हिम, एक हफ्ते बाद वो एक हफ्ते दौड़ा है, अब उसका और दौड़ने का मन करेगा, क्यों? क्योंकि सर उसका वजन कम हो चुका है, जो उसने इनपुट दी उसका मेहनत का रिजल्ट उसको मिला है, जो उसने काम किया उसको रिजल्ट अब दिखा तो उसका और इच्छा हुई, अब और करते हैं, बोले ये भाई साहब अभी उसको देखकर डीमोटिवेट हो रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं रिसोर्सेज, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठे हैं पर कर कुछ नहीं रहे। नाउ फटाफट आई कैन अंडरस्टैंड मेजर ऑफ यू बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, प्लीज इसमें शिफ्ट कर दे। और शिफ्ट करने का एक ही तरीका है, जिस भी हालत में जिस भी जगह आप हैं पढ़ाई शुरू करिए प्लीज। और पढ़ाई शुरू करने का एक सिंपल सा तरीका है, बस टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। हाँ सर चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि उसके नंबर आते हैं वो कैसे पढ़ता होगा, लॉजिकल सी बात है यार, कैसे क्या पढ़ता होगा, जो तुम्हें पढ़ाया गया उसी को ही बैठ के वो पढ़ रहा है, पढ़ता है वो, ये सब चीजें नहीं सोचता है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से बोलो प्लीज। फटाफट शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए। और एक दो दिन का पेन है शुरू शुरू में, ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, ठीक है, वो जो दौड़ रहा है उससे पूछो जाकर कि भैया डिफिकल्टी है कि नहीं, जी बिल्कुल है, बट मैं तो दौड़ता हूं वैसे ही पढ़ता हूं, डिफिकल्टी होगी तो क्या है सर, पढ़ना तो है, बोलो हाँ है ना। इस कैटेगरी से उठकर इस कैटेगरी में जल्दी शिफ्ट हो जाइए प्लीज, ठीक है। सर मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, मैं तो सर वही वापस फिर से बाहर आया, मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया सर, ट्रिग्नोमेट्री मैं शुरू से नहीं अटेंड किया, अब मैं क्या करूं, बीच में से आया हूं, तो बैकलॉग भैया कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, फिर से अपने आप को एक नया बहाना दे रहे हो। बहाने बनाने छोड़ो, अपने आप की जिम्मेवारी खुद, समझ में आया? और जैसे ही जिस दिन आप जिम्मेवारी लोगे रिस्पॉन्सिबली, उस दिन से या फिर उसके अगले दिन से आप अच्छा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय प्रॉब्लम। शुरू शुरू में पेन आएगा कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं सर, पढ़ना तो है ही, सारी चीजें रिकॉर्डेड डीपीपी सब आपके पास है, बस करिए मेहनत, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो एक बार थम्स अप। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे, एक और चीज बताता हूं, जब आप कोई पॉजिटिव और अच्छा काम करने लगते हैं तो आपको यूनिवर्स एक बार चेक करता है, पूरा यूनिवर्स, यस सर, जिस दिन मैं पढ़ने बैठूंगा ना पक्का उस दिन घर वाले कोई जबरदस्त प्लान बनाएंगे, देखो जिस दिन मैं पढ़ने बैठूंगा उसी दिन शायद कोई सर नेटफ्लिक्स पे जबरदस्त वाली मूवी रिलीज होगी, अच्छा उसी दिन हमें सर पार्क में हमारे दोस्त बुलाएंगे, बोले आज खेले एक घंटे में क्या जाता है, आ जाए यार। ये यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है कि तूने जो ठानी है वो ऐसी सिर्फ ठानी है कि मतलब सॉलिड है कि अंदर से खोखला है। और जिस दिन पढ़ने बैठे सारे बहाने एक तरफ, मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ, मोबाइल इज ऑन फ्लाइट मोड डाउनलोड करने के बाद में, और अगर फ्लाइट मोड पे नहीं होता सारे नोटिफिकेशन ऑफ, सिर्फ जिस चीज को देखना है उसी, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? यस, यूनिवर्स चेक करेगा जिस दिन आप पढ़ने बैठोगे। सर यूनिवर्स का क्या मतलब है? सब मिलके चेक करेंगे, ध्यान रखना। और अगर आपने वो चेकलिस्ट पार कर दी, दोस्तों के बुलाने पे पार्क नहीं गए, घर वालों के साथ फिल्म देखने नहीं गए, और किसी भी वजह से टाइम पास नहीं किया, तो यूनिवर्स बोलेगा ये अब ठीक है, ये अब इसको करने दो, मेहनत कोई दिक्कत, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। कोई परेशानी है? नो सर।